मुरादाबाद महानगर के कांट रोड एसएस चिल्ड्रन एकेडमी के सभागार में कक्षा 9 और कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए रेडियो जॉकी प्रतियोगिता एसएससीए रागा का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ स्कूल के प्रशासक डॉ. अनिल अग्रवाल, एडवोकेट प्रधानाचार्य डॉ. बबीता अग्रवाल द्वारा माँ सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता प्रारंभ की गई। उप प्रधानाचार्य सुप्रिया अग्रवाल, एकेडमिक डायरेक्टर अपूर्व अग्रवाल और मुरादाबाद के FM चैनल और रेडियो पदाधिकारियों की देखरेख में प्रतियोगिता सम्पन्न हुई। प्रतियोगिता में प्रतिभा करने वाले सभी विद्यार्थियों का कहना था कि यह हमारे लिए एक नया अनुभव है और आज के इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये भी जानकारी मिली है कि रेडियो पर कैसे हम प्रस्तुति दे सकते हैं और भविष्य में यदि हमें इस फील्ड में जाना हो तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। चाहूंगी कि मैंने जो है आई फ्लू के ऊपर टॉपिक लिया था जिसमें मैं कुछ हंसी मजाक के माध्यम से लोगों को समझाना चाहती थी कि आई फ्लू कितनी खतरनाक चीज़ है, उससे हमें किस तरह बच के रहना चाहिए। इसके अंदर मैंने कई मजाकिया तथ्य भी डाले और डॉक्टर की आवाज़ की नमस्कार, इस तरह से मैंने उनके भावों को चेंज करने की कोशिश करी। और इससे पहले भी बहुत मेहनत करी थी हमारी टीचर्स ने और हमारी वाइस प्रिंसिपल मैम ने हमें सिखाने के लिए। तो यही था आज का दिन, सभी को बहुत पसंद भी आया। थैंक यू। आज हमारे SSCA में RJ कॉम्पिटिशन था एज़ यू ऑल नो। तो मेरा आज का जो टॉपिक था बहुत ही सीरियस था, जिसमें मैंने बोला अबाउट प्रिजडिस सोसाइटी जो कि लड़कियों के प्रति होती है हमारी ज़्यादातर। तो उसमें बहुत मज़ा आया, बहुत प्रिपरेशन की, ज़्यादातर लोगों ने एंटरटेनमेंट को चूज़ करा पर मैंने सोचा अगर सब एंटरटेनमेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा तो होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि ऐसी चीज़ बोलते हैं चलो कि जिसके बारे में सब रिलेट कर पाएँ। तो इस यही था मेरा टॉपिक और मेरे सेगमेंट का नाम था काश मैं एक लड़का होती। तो बस इतना ही कुछ मेरे लिए, थैंक यू। कार्यक्रम की संयोजिका और SS चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल की उप प्रधानाचार्य सुप्रिया अग्रवाल ने सिटी चैनल से बात करते हुए कहा कि हमने अपने स्कूल में प्रथम रेडियो जॉकी प्रतियोगिता आयोजित कराई है जिसमें हमारे स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और FM रेडियो से भी यहां सभी पदाधिकारी पहुंचे हैं जहां सभी बच्चों को वो महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। आज की ये प्रतियोगिता पूरी तरह सफल रही। भविष्य में हम इंटर स्कूल प्रतियोगिता आयोजित करेंगे जिसमें सभी बच्चों को इससे प्रतिभाग कराया जाएगा। आज SS चिल्ड्रन एकेडमी कांट रोड पे हमने फर्स्ट एवर रेडियो जॉकी कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9th एंड 12th आर पार्टिसिपेटिंग विद ग्रेट जील एंड एंथुसियाज्म। कितने बच्चों ने इसमें भाग लिया होगा? इसमें 22 पार्टिसिपेंट्स हैं और वो भी शॉर्टलिस्टेड हैं बिकॉज वी हैड अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग इन फॉर दिस कंपटीशन, बट वी दीज आर द शॉर्टलिस्टेड वन, दीज आर द बेस्ट वंस। क्या उद्देश्य था कार्यक्रम? उद्देश्य यही है कि हम बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ज़रूरी नहीं है कि बच्चा एकेडमिक्स में ही अच्छा हो, बट काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो अलग अलग चीज़ों में अच्छा होता है। सो रेडियो जॉकी कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने का यही मोटिव है, हमारा यही उद्देश्य है कि बच्चे बोलना सीखें, बच्चे प्रेजेंट करना सीखें, डरे ना किसी भी चीज़ से और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आए। और इनको मैं हम स्टूडेंट्स को ये भी बताना चाहते हैं कि रेडियो जॉकी भी एक ऑप्शन हो सकता है उनके करियर के लिए एंड yes, so we are organizing it for the first time and we are really excited about it. आज कौन कौन उपस्थित था उसमें? आज हमारे FM मुरादाबाद से 89.6 चैनल से RJ छाया, RJ आनंद, गौरव जी जो डायरेक्टर हैं वहाँ के और पंकज भटनागर जी जो कि ओनर है FM मुरादाबाद के, वो उपस्थित हैं और उनको भी बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। आगे बढ़ने की यही अपील है कि किसी चीज़ से भी डरे नहीं, आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं, जो भी मौके मिल रहे हैं उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल कीजिए। और जैसे मैंने कहा कि एकेडमिक्स में ज़रूरी नहीं कि आप अच्छे हों, बट आप बोलने में अच्छे हो सकते हैं, आप प्रेजेंट करने में अच्छे हो सकते हैं, तो डरिए नहीं किसी चीज़।